वेलकम बैक गाइस, आप लोगों का ही रिक्वेस्टेड टॉपिक लेके आया हूँ। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एमटीपी किट लेने के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट कितने दिनों के बाद करना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो चलिए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। गाइस देखिए, जब आप एमटीपी किट लेते हो तो यूजली अपनी प्रेगनेंसी को पता करने के लिए कि भाई जो हमने एमटीपी किट ली है उससे हमारा जो अबॉर्शन है वो सक्सेसफुली हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको पता करने के दो तरीके होते हैं। इनफैक्ट तीन तरीके होते हैं। फर्स्ट, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, जो कि मैं यूजली आपको बोलता हूँ 21 से 28 दिन के बीच करने के लिए। पहली गोली जिस तारीख को ली है उसके अकॉर्डिंग आपको 21 से 28 दिन के बाद यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि भाई जो प्रेगनेंसी हार्मोन होता है बीटा एसीजी, वो आपके ब्लड में रह सकता है 21 से 28 दिन तक, ठीक है। दूसरा तरीका है सीरम बीटा एसीजी, जो कि आपके ब्लड से होता है और इसको आप लगभग 18वें दिन के आसपास करवा सकते हो। इसमें क्या होता है, आपके ब्लड का सैंपल लिया जाता है और जो रिपोर्ट है विद इन 72 आवर्स आती है और इसमें बीटा एसीजी की कुछ वैल्यू दी होती है जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपका जो अबॉर्शन है वो सक्सेसफुली हुआ है कि नहीं हुआ। और नंबर थर्ड जो है मोस्ट रिलायबल मेथड है वो है सोनोग्राफी और अल्ट्रासाउंड, जो कि हम लोग करवाते हैं यूजली 14th डे पर। जो आपने फर्स्ट टैबलेट ली है मिफेप्रिस्टोन की पहली बड़ी गोली, उसके एग्जैक्ट 14 दिन के बाद आपको अल्ट्रासाउंड करवाना होता है। अगर आप उससे पहले कराते हो तो भाई आपको इनकम्प्लीट अबॉर्शन आरपीओसी करके मेंशन किया ही किया जाएगा, ठीक है। तो आपको हमेशा 14th डे या उसके बाद ही सोनोग्राफी करवानी चाहिए, ठीक है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो प्रीवियस वीडियोस जब आप देखोगे तो मैंने आपको बताया था कि एमटीपी किट कैसे लेना है या फिर अनवांटेड किट कैसे लेना है, दोनों सेम ही किट होती है। अगर आपने उन मेथड से एमटीपी किट ली है गाइस, तो आप जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है वो 8 दिन से 28 दिन के बीच में कर सकते हो। मिनिमम 8 दिन के बाद अगर आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे तो कई केसेस में मैंने खुद ने देखा है कि उनका नेगेटिव रिजल्ट आ जाता है प्रेगनेंसी टेस्ट का, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि 28 दिन तक वो पॉजिटिव आता रहता है और फिर 28 दिन के बाद वो नेगेटिव आता है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई मैं लिख के नहीं दे रहा हूँ कि आपको कि 28 दिन के बाद ही यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कराओ। अगर पहले करा रहे हो तो उसका कोई फिजिकली कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। आपका एक यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट खरीदने पर पैसे ही वेस्ट होंगे, लेकिन अगर आप जल्दी प्रेगनेंसी टेस्ट करा लेते हो तो आपको ये कन्फर्म हो जाएगा कि जो आपका अबॉर्शन है वो क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। नंबर टू, लोगों को ये डाउट रहता है कि भाई ब्लीडिंग हो रही है तो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन गाइस देखिए, जो ब्लीडिंग होती है वो यूजली वजाइना के रास्ते से हो रही होती है और जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, जो यूरिन है वो यूरेथ्रा से आता है, दोनों के अलग अलग रास्ते होते हैं, ठीक है। तो अगर यूरिन में थोड़ा बहुत ब्लड मिक्स भी हो जाता है तो आप अगर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे, ठीक है, तो आपको रिजल्ट इतना फ्लैक्चुएट नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी हार्मोन यूरिन में होगा तो वो पॉजिटिव ही आएगा और अगर नहीं होगा तो फिर वो नेगेटिव आएगा, समझ रहे हो आप इस बात को। तो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट आप लगभग चाहें तो 8 दिन के बाद कर सकते हो और मैक्सिमम आप 28 दिन तक कर सकते हो। और सेकंड नंबर पर जो अल्ट्रासाउंड है वो आप 14th डे के बाद करवा सकते हो और जो ब्लड टेस्ट है सीरम बीटा एससीजी वो 18 दिन के आसपास आप करवा सकते हो। आप चाहो तो 8 दिन के आसपास भी करवा सकते हो, लेकिन यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जो है लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया कि आप 8 से 28 दिन के बीच में कभी भी करवा सकते हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।